हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष चोपड़ा व्लॉग्स। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ पंजाबी बाग और आप देख सकते हैं अभी सारे रावण लेटे हुए हैं। ये कह रहे थोड़ी देर तक क्रेन आएगी, फिर रावण खड़े होंगे। तो गाइस, व्लॉग के साथ एंड तक बने रहिएगा, बाकी हम आपको पास जाके और दिखाते हैं जो लेटे हुए हैं रावण। गाइस, ये कुंभकर्ण आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। गाइस, आपको रावण और मेघनाथ भी पास से दिखाते हैं। ये रावण है, इसका फेस भी देखिए कितना बड़ा लग रहा है, एक नंबर के रावण है पंजाबी बाघ के भी। अब ये है मेघनाथ, ये भी गाइस एक नंबर का लग रहा है। यहाँ के रावण सच में बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, ये 60, 70 और 80 फीट के हैं। तो मैंने अभी आपको रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण तीनों ही दिखा दिए हैं, तीनों एक नंबर के रावण लग रहे हैं। बस थोड़ी देर में क्रेन आने वाली है, फिर आगे की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो ब्लैक और सिल्वर कलर की दिख रहे हैं, ये आतिशबाजी के लिए है। ये साइड से आतिशबाजी होती है, दोनों तरफ लगे हुए हैं, हर रावण पे लगे हैं। गाइस, आप देख सकते हैं क्रेन भी पहुंच गई है, अब जल्द अब रावण खड़े होंगे, आपका भी इंतजार ख़त्म होगा। तो गाइस, फाइनली कुंभकर्ण को नींद से उठा दिया और कुंभकर्ण के पुतले को खड़ा किया जा रहा है। गाइस, इसी क्रेन से थोड़ी छाती भी फट गई, आप देख सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं पीछे दशहरा मेला लगा हुआ है और झूले चल रहे हैं, और ये मेट्रो जा रही है। गाइस, गाइस आप देख सकते हैं सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ से एक आदमी ऊपर गया और क्रेन की रस्सी हटाई है। अब क्रेन चल पड़ी है वहाँ रावण की तरफ, अब रावण खड़ा होने वाला है। ये देखिए, ये भाई अब नीचे उतर रहे हैं। गाइस, मुझे अभी बताया गया कि जो पहले पुतला खड़ा हुआ है मेघनाथ का पुतला खड़ा हुआ है, अब कुंभकर्ण का पुतला खड़ा होगा, फिर इसके बाद रावण का। गाइस, जो पहले खड़ा हुआ था वो मेघनाथ था, अब ये कुंभकर्ण खड़ा हो रहा है, फिर इसके बाद रावण खड़ा होगा जो सबसे बड़ा 80 फीट का। तो गाइस, सामने मेला भी चल रहा है पीछे पंजाबी बाग का। कुछ दिक्कत आ गई यहाँ पे बल्ली में, इसलिए कह रहा अभी रोकिए, अभी रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, इनकी सेटिंग ख़राब होगी यहाँ बल्ली की। ऐसे टाइम भी बहुत लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनका एक्सपीरियंस ही नहीं है।
गाइस फिर दोबारा से खड़ा होना शुरू हो गया है। अभी मेघनाथ खड़ा हो चुका है, अभी कुंभकर्ण खड़ा हो रहा है, इसके बाद फिर रावण खड़ा होगा। मेघनाथ की तो गाय छाती फट गई थी, अब इसकी चेक करते हैं। इसकी सेटिंग अब सही करी है, इसकी छाती नहीं फटी। तो गाय फाइनली कुंभकर्ण का भी पुतला खड़ा हो गया है, लेकिन इसको सेट करने में, रस्सियाँ बांधने में इनको बहुत टाइम लगता है, कम से कम एक घंटा लग जाएगा करीब करीब इसको सेट करने में ही। फिर रावण की बारी आएगी। साहब मेरे पीछे देख सकते हैं मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले खड़े हो गए हैं। अब रावण की बारी है, वो सबसे बड़ा 80 फीट का है, तो बस थोड़ी देर में आपको वो भी देखने को मिलेगा। गाय साहब देख सकते हैं अभी रावण पीछे लेटा हुआ है और मुझे काफ़ी देर भी हो रही है। मैं शाम को 4 बजे का आया हूँ और 7 से ऊपर टाइम होगा, 7:15 7:30 हो गए, इसलिए गाय साहब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम भी। और इसके साथ आज के ब्लॉग का एंड करता हूँ, लेकिन दशहरे के ब्लॉग अभी कल भी आते रहेंगे, कल दशहरा है तो मस्त मस्त लोग अभी भी आएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।